भारत और फ्रांस की दोस्ती कैसी है वो इन तस्वीरों से जाहिर है। कोरोना काल में भी फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार भारत दौरे पर आए और उन्होंने पीएम मोदी से लेकर एनएसए डोवाल के साथ बड़ी बैठक की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी और तमाम भारत सरकार के बड़े मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार ने एनएसए अजीत डोवाल से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में ग्लोबल समस्याओं, इंडिया पैसिफिक रीजन, डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत रिश्तों को लेकर बात हुई है। साथ ही आतंक के मुद्दे पर यूएनएससी में मजबूत भूमिका निभाने पर भी बात हुई है। इसके पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा था कि फ्रांस कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थक रहा है। फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक वार्षिक संवाद के लिए भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने चीन को भी निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को कभी कोई प्रक्रियागत खेल खेलने की अनुमति नहीं दी। इमैनुअल बोन ने भारत के हाथों पिट चुके चीन को लेकर यह भी कहा कि वो किसी नियम को तोड़ता है तो हम सबको बेहद मजबूत और बेहद स्पष्ट होना होगा और हिंद महासागर में हमारी नौसेना की मौजूदगी की यही भावना है। बोन ने कहा है कि फ्रांस क्वाड के करीब है और भविष्य में उनके साथ कुछ नौसैनिक अभ्यास भी कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन के सीने पर सांप लूट जाने वाली बात करते हुए कहा है कि ये उकसावे के तौर पर नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर डालने के लिए है। हमें टकराव की ओर नहीं बढ़ना है, हमें संतुलन बनाकर चलना है ताकि सब कुछ शांति के साथ हो सके। फ्रांस भारत के मजबूत रिश्ते सिर्फ रक्षा क्षेत्र को लेकर ही नहीं है, वैचारिक तौर पर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जब इस्लामिक आतंकवाद को लेकर मुस्लिम देशों के निशाने पर आए थे तो उन्हें भारत का पूरा समर्थन मिला था। भारत उन देशों में है जिसने सबसे पहले फ्रांस के समर्थन में बयान जारी किया था। भारत ने जैसे ही अपने मित्र देश फ्रांस के समर्थन पर प्रतिक्रिया दी थी, वैसे ही दिल्ली में फ्रांस के राजदूत ने भारत के बयान का स्वागत किया था। राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा था कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और फ्रांस हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।